नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। झारखंड की पावरफुल आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई मामले में अहम खबर सामने आई है। आज मंगलवार को फिर से ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम पूजा और उसके संबंधियों के 6 ठिकानों पर रेड कर रही है। जानकारी के मुताबिक रांची और मुजफ्फरपुर में आज सुबह 7:30 बजे से ईडी की टीम रेड की कार्रवाई कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को अब अनिल झा नामक शख्स की तलाश है। अनिल झा के नेताओं और नौकरशाहों से बेहतर ताल्लुकात हैं। माना जा रहा है कि पैसे के लेन देन में उसकी भूमिका है। अनिल झा ही पैसे पहुंचाने का काम करता था। ईडी इसकी तस्दीक करना चाहती है कि पूजा सिंघल प्रकरण में ये नया कैरेक्टर और क्या काम करता था। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पिता कामेश्वर झा का मकान है। कामेश्वर झा मुजफ्फरपुर में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के तौर पर काफी लंबे वक्त तक कार्यरत थे। झारखंड बंटवारे के बाद वे झारखंड चले गए और रांची के साथ साथ दुमका में सक्रिय रहे। माना जा रहा है कि अनिल झा अभिषेक के पिता कामेश्वर झा का आदमी है। इस वजह से ईडी मुजफ्फरपुर में कामेश्वर झा के आवास पर भी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और उसके सीए सुमन सिंह फिलहाल जेल में हैं। सुमन सिंह के ठिकानों से ईडी की छापेमारी के दौरान 19.41 करोड़ की रकम बरामद की गई थी। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा द्वारा बनाए गए पर्ल्स हॉस्पिटल में शेल कंपनियों के पैसे लगाने का आरोप है कि कई जिलों में डीसी रहते हुए पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले की जांच चल रही है। पूजा सिंघल पर झारखंड की खान सचिव रहते हुए सीएम हेमंत सोरेन को लाभ पहुंचाने और खनन लीज लेने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल से शादी के बाद उसके पार का इस्तेमाल करते हुए पति अभिषेक झा और ससुर कामेश्वर झा ने बहुत पैसे कमाए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।